हेलो गाइस, अगर आप भी आप यूट्यूब पर लाइव चलाना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो आप कैसे यूट्यूब पर लाइव चला सकते हैं। बिल्कुल इजी और आसान प्रोसेस आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर लाइव कैसे चलाया जाता है। उसके लिए आपको अपने यूट्यूब पर आ जाना है दोस्तों। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। नीचे प्लस वाला आइकन आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर मार्क किया है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। इस पर हम क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पर, आपको यूट्यूब चैनल के बीच में मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलता है आपका फ्रंट कैमरा लगाना है या फिर बैक कैमरा लगाना है, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो अभी मेरे को जस्ट सामने वाला कैमरा लगाना है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कैमरा रोटेट का, इस पर क्लिक करके आप पीछे वाला कैमरा चला सकते हो। जैसे कि मैंने जैसे कि इस पर क्लिक किया और जैसे कि इसे बैक किया और यहाँ पर बैक कर दें और ये ठीक है, तो ये ठीक है, बैक वाला कैमरा मेरा चल गया ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप माइक को म्यूट करना चाहते हैं, माइक को यहाँ पे म्यूट कर सकते हो, इसे बैक कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मोबाइल को रोटेट करना है तो ये ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपकी वॉइस नहीं भेजनी है तो ये ऑप्शन मिल जाता है ठीक है, हमारे को ये सब ऑन रहने देना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलता है, नीचे एक पेंसिल का आइकन भी मिल जाता है, तो इसमें पेंसिल के आइकन में क्या है, आपको ढेर सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, इस पर आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो। जैसे कि आप फर्स्ट बार चला रहे हो तो आपको ऑडियंस मतलब यहाँ पर पब्लिक है या नहीं ये भी आपको चेक कर लेना है, पब्लिक रहना चाहिए ताकि आपका ऑडियंस ये आपके लाइव जा सके। उसके बाद सिलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है आपको जस्ट नीचे वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑडियंस करके आपको किन किन लोगों को तक वीडियो जाना चाहिए आप ऑडियंस सिलेक्ट कर लीजिए। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एज वगैरह और ये रिएक्शन करके ऑप्शन मिलता है दो, तो चलो इसे छोड़ देना। उसके बाद आपको यहाँ पर गो लाइव ठगेल करके ऑप्शन आएगा, इनको सभी को छोड़ देना ठीक है, चलो यहाँ पर बैक आ जाए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर बैक करना है, बैक आने के बाद दोस्तों आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लाइव चलाना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, लाइव चलाएंगे। तो अभी हमारे को यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको बताए जाएंगे, तो एक पे आपको यहाँ पर टिक मार्क करना ही पड़ेगा, येस इट्स माइड फॉर किड, ये बच्चों के लिए या फिर नॉट माइड फॉर किड, तो ये ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे ही मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो आपको येस माइड फॉर किड कर देना है, ये बच्चों के लिए ठीक है। तो येस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आप नो भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वाले सिंबल पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। आपको यहाँ पर देख रहे हो नीचे नेक्स्ट, इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेटिंग कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लोड होगा और कुछ इस तरीके से आपको वॉचिंग करके लिखा हुआ है, कितने लोग देख रहे हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे को यहाँ पर थंबनेल भी लगानी है, तो आप थंबनेल लगा सकते हैं इसमें, और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि थंबनेल नहीं लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्ट्रीम सेट फॉर ठीक है, और यहाँ पर डेट और टाइम सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो तो गो लाइव ऑप्शन करके आ रहा है, तो चलो इसे गो लाइव ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। चलो गो लाइव करने के बाद ये अब स्टार्ट हो चुका है लाइव हमारा ठीक है। यहाँ पर लाइव इस तरीके से चलता है, तो इसमें टोटल क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे मेरी वॉइस शायद आपको म्यूट हो गई होगी क्योंकि लाइव चलने के बाद स्पीकर काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो पैक करंट कुछ करके ऑप्शन आतेगा, और यहाँ पर कुछ कितने मिनट सेकंड तक आपकी लाइव स्ट्रीम चली वो आ जाएगा आपको नीचे, ये देख सकते हैं 5 सेकंड करके, और कितने व्यूज़ आए वो भी दिख जाएगा, टोटल कितना टाइम आपका चला, एवरेज डिस्क्रिप्शन जो भी आपको यहाँ पे व्यूज़ वॉच टाइम कितना काउंट है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। डन कर देना है, डन करने के बाद आपको यहाँ पर देखोगे तो ये अपलोड होने लगेगी, आपको यहाँ पर रहने देना है यूट्यूब पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं रखना है तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एडिट का, एक आपको डिलीट अपलोड, तो डिलीट अपलोड पर क्लिक करोगे और डिलीट वाले सिंपल पर क्लिक करोगे तो ये सिंपली डिलीट हो जाएगी, ये अपलोड नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने YouTube पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, इजी तरीका है, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। अगर वीडियो ओके में अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही वीडियो